नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, वेलकम टू रति पांडे डायरीज, गणपति बप्पा मोरिया। तो सुबह हो चुकी है और पंडित जी भी आ चुके हैं और जैसा आप देख सकते हैं कि हमने सुबह की आरती भी कर ली है। तो कैसे लग रहे हैं हमारे गनु बप्पा, प्यारे मासूम से, है ना? जनरली मैं शाम को ही तैयार होती हूँ और हमारे घर में आज बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो आप देखकर सोच रहे होंगे कि मैंने पहना क्या है। तो मैं आज बिल्कुल असम की लड़की बनी हूँ। इसे कहते हैं मेखला चादर। दिखाइए, दिखाइए जी। तो इसे कहते हैं मेखला चादर और ये जो गहने हैं मैंने जो पहने हैं ये मेरी कजिन सिस्टर मीमी ने दिया है और आज मैं फुल लैसिंग गेटअप में गणेश जी का स्वागत कर रही हूँ। तो बस अब मैं ज्यादा आपको कुछ नहीं दिखा पाऊंगी, ज्यादा दिखा तो नहीं पाऊंगी, मतलब कि मैं बोल ज्यादा नहीं पाऊंगी क्योंकि अब हम लोग सारे लोग बिजी होने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, खाना पीना होगा, हंसी मजाक होगा और साथ ही साथ गणपति पप्पा आज तो आशीर्वाद देते देते थक जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कीजिए पूरी पांडे फैमिली के साथ। सर क्या मुंबई आए हैं आप, पापा के आशीर्वाद देने? हाँ, हर साल आते हैं हम लोग मुंबई, वहाँ पटना रह चुके हैं, वहाँ से हर साल आते हैं और हर साल इंतजार रहता है पापा हमारे घर में आए, इसलिए कभी कभी हम भावुक हो जाते हैं, इंतजार करके पापा से हम भावुक हो जाते हैं। हम इसे नहीं मानते हैं कि सबको खुश रखें, सबको स्वस्थ रखें, सबको समृद्ध बनाएँ और अपने लोगों को खुशियाँ दें। बेसिकली ये मैं हर साल बोलती हूँ कि जब भी मैं गणपति रखती हूँ, मतलब पहले जब मैंने रखा था तो यही सोच के रखा था कि मेरी मेरा पूरा परिवार साथ में हो, मैं गणपति जब भी रखूँ तो मेरा पूरा परिवार आए, ये एक बहाना है मम्मी पापा को बुलाना बुलाने का। तो मैं हमेशा बुलाती रहती हूँ तो कभी ये बहाने वो बहाने हो जाते हैं, बट ये ऐसा ओकेजन है जहाँ पर ये ना नहीं कह सकते, इसीलिए हम सारे पूरे परिवार मिल के हम लोग सेवा भाव से पापा की पूरी सेवा करते हैं। जो ये एक हफ्ते का भाग दौड़ होता है, ये जो एक्साइटमेंट होती है, अब तो मैं थोड़ी सी मुझे फुर्सत मिली है काम से तो थोड़ा टाइम था मुझे, बट काम एक बार वो चलना सीखेगा तो फिर एक राम जैसा है, भगवान शिव जैसा लड़का जरूरी से जरूरी तुम्हारा जीवन में लेके आ रहा है, जो गणपति बाबा प्लीज 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 बाबा, मैं राम से प्रार्थना करती हूँ, उधर से प्रार्थना करती हूँ, बहुत जल्दी
राम जैसा लड़का राम मिले जैसा लड़का और इनके पास जो है वो हनुमान थे हनुमान थे हनुमान जी को बोल लो मेरे राम लेकर हनुमान जी को बोलती हूँ चलो एक और फोटो तो जब दो बिहारी मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है बिहार बिहार हम लोग बहुत ग्राउंडेड है इसलिए बैठ के ग्राउंड में खाते हैं और ये आदमी आया है कम से कम 4-5 साल बाद आज पता नहीं मैं कहाँ से याद आ गई एक सेकंड बाद अच्छा किया चलो गाना डांस करो चलो डांस करो तो गाइस ये ज़ारा है the cutest ज़ारा और ये आपको क्यूट लग रही होंगी But this is her idea. These are the modaks, and we have inserted some chilies inside it. That's why she's taking this home. So, this is the proof. This video is a proof that I am not guilty, and I'm not responsible for this. ये किसी के भी पेट में जा रहा है रिस्पॉन्सिबल नहीं तो जैसा कि आपने देखा कि इतने सारे गेस्ट एक के बाद एक आ ही रहे थे और अब मैं थक चुकी हूँ मतलब थकान तो होती है लेकिन ये बहुत ही मीठी सी थकान है एक तो साल में एक बार गणेश चतुर्थी आता है और बप्पा हमारे घर आते हैं उसके बाद घर में इतनी चहल पहल होती है दूर दूर से दोस्त मिलने आते हैं पापा से आशीर्वाद लेने आते हैं इसी बहाने हम मिलजुल कर मिल बांट कर एक साथ बैठ कर खाना भी खा लेते हैं तो थैंक्स टू पापा कि इनकी वजह से कम हम उन लोगों से जुड़ तो पाते हैं साल में एक बार ही सही इनकी श्रद्धा कहिए या एक जुड़ाव कहिए जो भी बहाने हैं कम से कम सबके साथ मुलाकात हो जाती है मिल बांट के खाना पीना भी खा लेते हैं कुछ बातें भी हो जाती हैं और रात को बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है तो अब सब कुछ वाइंड अप करने का टाइम आ गया है तो पूरा घर जुट जाता है बप्पा के स्वागत में और यही हमारा दिनचर्या था मिलते हैं अगले दिन मतलब कल अब कल सुबह उठ के एक नई शुरुआत नया दिन आखिरी तो नहीं कहूंगी पापा का दिन बट कल थोड़ा सा दिन जरूर भारी हो जाएगा तो मिलते हैं कल सुबह अभी के लिए गुड नाइट गणपति पापा मोरिया